नेम लर्न कर लेंगे, ठीक है। वन से लेकर कितने तक? 20। तो हम यहाँ पे आज उसी चीज को देखेंगे और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल के बेसिस। देखो यहाँ पे सबसे पहला आइटम का नाम बोलो, हाइड्रोजन। सर ये जो पूरे ब्रेंडेड है पूरा न्यूट्रल केस है। हाँ, दूसरा हीलियम, लिथियम। तीसरा लिथियम, बोलो बेरिलियम। क्या? बेरिलियम। बेरिलियम, हाँ। फिफ्थ बोरॉन, फाइव कार्बन, सिक्स नाइट्रोजन। सिक्स नाइट्रोजन होता है कि सिक्स कार्बन होता है? हाँ, सिक्स। सेवन नाइट्रोजन, एट क्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, नियॉन, नियॉन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बोलो सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, और यहाँ पे कौन है? आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। ये आपका होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और ये हो गया आपका 20, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 1। चूंकि ये न्यूट्रल एटम है तो एक प्रोटॉन के साथ इसके साथ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन भी हो। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेके चलते हैं, है ना। बताओ हाइड्रोजन का सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएगा? पहले सेल में, और उस सेल का नाम क्या होगा? ए। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा ए में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, यही होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे? के सेल में, और के सेल की कैपेसिटी भी कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे आपका इन द केस ऑफ हीलियम कितना होगा इसका? 2। लिथियम के केस में चलते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि के एल एम और एन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2, 8, 18 और 32, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया के, इसमें हो गया आपका 2। अब आते हैं लिथियम पे, तो पहला किसमें जाएगा? के में, और बचा है वो किसमें चला जाएगा? एल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 1। उसी तरह से आप इसका देखो, बेरिलियम का कितना होगा? 2 और ये 2। अब यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि ये जो है आपका कौन सा सेल है? एल है, तो एल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8। तो ये तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे जब तक कि इसका संख्या इसके इसका नंबर 8, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। बोलते जाओ जल्दी, 2, 4, नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, नियॉन 2, 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। वैलेंस सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। आउटर मोस्ट सेल में से पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8। अब यहाँ पे देखो 2 और 7 में इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अच्छा एक चीज और समझ लो, ये 1 क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा? बढ़ रहा है। इसलिए इस वैलेंसी को हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -1 से। वैलेंसी तो इसकी कितनी होगी? 1 होगी। वैलेंसी कितनी होगी? 1। लेकिन रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? -1 से। उसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1। अब उसी के केस में इसकी वैलेंसी बोलो जल्दी,
फिर माइनस फोर नहीं होता है, यहाँ पे जो है चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसकी वैलेंसी को हम प्लस फोर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, प्लस फोर से, क्योंकि यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बहुत मुश्किल है, चार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या फिर डोनेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन को जो वो एक्सेप्ट करेगा बहुत ही एनर्जी की जरूरत होगी, अगर डोनेट भी करेगा तब भी बहुत अधिक एनर्जी निकलेगी। इस केस में अपना कार्बन क्या करता है, चार इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से लेता है, समझ में आया, चार ऐसे चीजों को, चार ऐसे इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, फिर अपना भी इलेक्ट्रॉन और उसका भी इलेक्ट्रॉन चारों से कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये बनाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। इसके केस में याद में हम देख लेते हैं, जैसे मान लो आपका कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सिक्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर, कितने हैं फोर, तो इसका मतलब कि अभी इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो चार इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, या फिर क्या करें फोर इलेक्ट्रॉन दे ले, तो इन दोनों केस में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या फिर चार इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो इस केस में कार्बन आपका क्या करता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, देखो ये क्या करेगा, जैसे मान लो इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो वो अपने किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, कितने की जरूरत हो, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, मान लो हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने की जरूरत है, कितने पास, उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन, कितने की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, वन, तो अगर हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ कितने की जरूरत है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ ये कर लेगा, तो दोनों शेयर कर लेंगे, दोनों का काम इससे चल जाएगा, दोनों का काम यहाँ से जो है वो चल जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है तो ठीक है, यहाँ पे दोनों आपस में शेयरिंग किए हुए, आप बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, तो आपका हाइड्रोजन तो स्टेबल है, लेकिन कार्बन आपका स्टेबल है नहीं, बस उसको कितना इलेक्ट्रॉन मिला है, केवल एक इलेक्ट्रॉन मिला है, अभी कितने की जरूरत है, तीन, तो क्या करेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, ठीक है, अब इस चीज को समझो, यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो आपका कार्बन है वो इस तरह से, इसके पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, गिनो, दो चार छह आठ, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास बोलो दो, इसके पास कितने हैं, दो, इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जा रहे हैं, बट जा रहे हैं, दोनों बराबर बराबर अमाउंट में जो है आपस में क्या हो जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और इस तरह की वैलेंसी को हम बोलते हैं कोवेलेंसी, तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है, चार, ठीक है, कितनी होती है, चार, प्लस फोर वहां पे लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, वहां पे प्लस फोर लगाने में आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि ये किससे बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, समझ में आया, चलो अब अगला देखते हैं, उसी तरह से इसकी वैलेंसी बताओ कितनी होगी, तीन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वन से लेकर के थ्री, मतलब क्या, प्लस फाइव, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, डोनेट करने का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन को उसने अपने अंदर से निकाल दिया, अच्छा तीन इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, प्लस, प्लस, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना भाई, मान लो एक एटम में यहाँ पे तीन प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए बाहर, निकल गए, तो अब इसके पास कितने चार्ज पड़े हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज, तीन पॉजिटिव चार्ज पड़ गए ना, अभी न्यूट्रल था लेकिन तीन जब निकल गए माइनस चार्ज, तो उसके पास तीन पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, बढ़ गए, तो आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्लस थ्री, अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी प्लस थ्री, उसी तरह से इसकी वैलेंसी बोलो प्लस टू, इसकी वैलेंसी आपकी प्लस टू और इसकी वैलेंसी प्लस, तो इस तरह से होता है, आगे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अब सोडियम की बात कर लेते हैं,
चलो सोडियम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 1 1 1 वैलेंसी कितनी है इसकी +1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 मैग्नीशियम की बात करो 2 8 2 2 कितनी वैलेंसी +2 2 8 3 कितनी वैलेंसी +3 अब इतना जो है आप लोग खुद जो है कर वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है इसको खुद का आपका होमवर्क है घर पे जो है करके लाओ ठीक है क्लियर हुआ चलो अब इतना समझ लिए आप लोग मतलब कि वैलेंसी के बारे में आपको समझ लें आ गया अच्छे से है ना एटॉमिक नंबर भी आपने समझ लिया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों ने जान लिया ठीक है और उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं जो कि टॉपिक से आपका एटॉमिक नंबर की बात करो टॉपिक है वो होता है आपका मास नंबर मास नंबर क्या होता है तो मास नंबर कोई बताएगा इसमें से किसी को पता है बताओ आज सर जैसे आप बताए थे कि जो भी एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लियस में क्या होगा मतलब मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जब होता है उसको मास नंबर कहते हैं मास नंबर ए से डी होता है मास नंबर बोलते हैं बैठो मास नंबर का मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या उसी को हम मास नंबर से डिनोट करते हैं ठीक है तो मास नंबर किससे डिनोट कर रहे हैं हम ए ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ठीक है इसको हम बोलते हैं मास नंबर अब यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर को किसे डिनोट करते हैं जेड ठीक है तो सपोज दैट हमें एक फॉर्मूला हमको दिख रहा है ए इज इक्वल टू जेड प्लस ठीक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है तो अगर आपको Z निकालना हो तो आप क्या करोगे सिंपल सा न्यूट्रॉन को इधर भेज दोगे ठीक है अगर जो आपको मास नंबर पता है तो ठीक है तो यहाँ पे अगर जाएगा तो फिर इधर हो जाएगा A माइनस N ठीक है तो इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं अभी हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देख लो एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मान लो अगर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से जैसे यहाँ पे जो X है तो X का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट तो आपका जो Z होता है जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम यहाँ पे Z को यहाँ पे लिखते हैं ठीक है और मास नंबर को हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं कई कई बुक में ऐसे लिखा रहता है तो कई बुक में आपका Z यहाँ पे रहता है तो ये यहाँ पे रहता है तो फिर किसी बुक में आपका Z यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे रहता है Z का और यहाँ पे X का मतलब क्या है X का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जैसे मान लो अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और उसका मास नंबर होता है 35 ठीक है तो इस तरह से हम एटम को रिप्रेजेंट क्लियर हो गया समझ में आया सब लोगों को ठीक है अब एटॉमिक सॉरी मास नंबर के बाद जो टॉपिक है आपका वो है आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होता है कोई बताएगा आइसोटोप्स के बारे में बोलो सर जब किसी भी एलिमेंट का जब एटम का जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है जैसे आप बताए थे क्लोरीन है तो क्लोरीन दो क्लोरीन को लेते हैं 17 एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर 35 टू 37 जब मास नंबर डिफरेंट होता है उसको आइसोटोप बोलते हैं देखो इस चीज को ध्यान से समझो आइसोटोप में एलिमेंट आपका क्या होगा सेम होगा एलिमेंट क्या होगा सेम होगा जैसे क्लोरीन है ठीक है तो क्लोरीन ही होगा उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा सेम होगा बट उसका मास नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा और जैसे ही मास नंबर डिफरेंट हुआ वो उस एलिमेंट का आइसोटोप कहलाएगा जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है आइसोटोप का मतलब समझो जैसे मान लो हम एक एटम लेते हैं क्लोरीन ठीक है क्लोरीन में क्या होता है 17 होता है और ये क्या होता है 35 ठीक है
एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी आती है, बहुत सारे क्लोरीन के एटम को जब लोगे, बहुत सारे क्लोरीन के एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल में बहुत सारे क्लोरीन के एटम को लोगे और जब डिस्टिंग्विश करना शुरू करोगे, उसके अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जांचने की कोशिश करोगे कि उसका नंबर कितना है, तो आपको ये पता चलेगा कि उन्हीं सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो तरह के क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन सॉरी दो क्लोरीन के एलिमेंट मिल रहे, एक क्लोरीन का एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, ठीक है, और एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 17 है, बट जब मास नंबर हम देख रहे हैं, मास नंबर जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि दोनों का मास नंबर क्या हो जा रहा है, अलग अलग है। उसी क्लोरीन के मॉलिक्यूल में, क्लोरीन के एलिमेंट में ऐसा होगा, बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल आप लोगे तो ऐसा देखा गया, लेकिन बहुत ही कम केस में 99% आपका जो आपका एलिमेंट मिलेगा वो ये मिलेगा, और 99 में 100 में 1% एलिमेंट ऐसा होगा जो इस तरह से मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर जो मास नंबर होगा क्या होगा चेंज, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या कह रहा है, ये आइसोटोप्स कह रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या कह रहे हैं, आइसोटोप्स। क्लियर हो पाए सचिन? ठीक है, आइसोटोप मतलब समझ लो ट्विन, जुड़वा बच्चे, जैसे अपने वहां है ना, कौन है रिद्धि, रिद्धि सिद्धि को जब आप ऐसे खड़ा कर दोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कौन रिद्धि है कौन सिद्धि है। बहुत सारे हैं, अभी एक और है नाइन्थ में भी है, हाँ शुभ और शुभांश, उन लोगों को भी अगर खड़ा करके पहचान ही नहीं पाओगे, हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जुड़वा टू देखा है ना आप लोगों ने, तो उसमें लगता किसी और एक को और महसूस उसको होता है, ठीक है, तो उस वाले सीन की तरह आपका बिल्कुल वो भी यही सेम है, बस थोड़ा सा क्या होता है स्लाइटली चेंज हो जाता है, तो ट्विन कह सकते हो, जुड़वा कह सकते हो, समझ में आया। तो ये होता है आपका आइसोटोप्स। तो आप आइसोटोप्स की डिफिनेशन पहले आपको उसका मास नंबर की डिफिनेशन लिख लो, मास नंबर का डिफिनेशन नंबर तो आपको पता ही है, मास नंबर का डिफिनेशन लिख लो और आइसोटोप का डिफिनेशन लिख लो। देखो द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of इसका न्यूट्रॉन्स, number of न्यूट्रॉन्स, और ये फॉर्मूला जो है आप इसको ऐसे ही ब्रैकेट में करके आप इसको वहां पर लिख सकते हो। आइसोटोप का लिखो, आइसोटोप का लिखो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर, बट डिफरेंट इन मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट सबस्टेंस, आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ दैट सबस्टेंस। एग्जाम्पल क्लोरीन का एग्जाम्पल आपने दिया है, अच्छा इसमें से कोई ये बता सकता है मुझे इसके पास कितने प्रोटॉन है? यस सर, क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है? 17। अगर आपका 17 प्रोटॉन है, ठीक है, और मास नंबर इसका कितना है? 35। तो न्यूट्रॉन का नंबर आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कितना होगा बताओ? 35 - 17 कितना होगा? 18। कितना होगा? 18 ना होगा?
18 होगा, वो क्या होगा आपका न्यूट्रॉन का नंबर होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। एक आपका कार्बन होता है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, और उसका मास नंबर होता है 12, ठीक है। तो बताओ उससे कितने न्यूट्रॉन होंगे, 6, क्लियर है। तो ये आपका जो है तरीका है न्यूट्रॉन वगैरह को निकालने के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज में ये ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। आइसोटोप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत जो है डिस्टर्ब होती है, तो हम वहां से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा आइसोटोप है और ये कौन सा है, ठीक है। उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आया। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होगा। अच्छा हाँ, आइसोबार भी अभी बचा हुआ है। अच्छा ठीक है, आइसोबार का मतलब क्या होता है, आइसोबार के बारे में किसी को पता है? बोलो। जब मास नंबर सेम होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तब देखो यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं होते, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं होते। एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कब होंगे, जब एटॉमिक नंबर होगा क्या हो जाएगा, चेंज। एटॉमिक नंबर चेंज होने के बाद ऐसे कई सारे एलिमेंट को देखा गया जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, आइसोबार। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्गन को लेते हैं, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 80 और इसका मास नंबर होता है 40, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 80 और मास नंबर कितना, 40। उसी तरह से आपका कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 और इसका मास नंबर कितना होता है, 40। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या है आपका मास नंबर सेम है कि नहीं है, yes, है ना। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोबार। तो आइसोबार में एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर चेंज होता है बट मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, क्लियर है ना। जैसे ये आपने एग्जांपल दिया, ये आइसोबार, समझ गए। इस चैप्टर में बेसिकली बस इतना ही था, ठीक है। अब कुछ तरह से आयन वगैरह का भी फॉर्मेशन है जिसको हम लोग देख लें, आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है देख लेते हैं। चलो ठीक है, आयन का, आयन वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग समझ लो। देखो आयन कोई भी एटम कब आयन है, चलो बताओ कोई बताएगा, बोलो सर, गलत भी सकता है, बोलेंगे आयन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, आयन। देखो अगर हमारे पास सोडियम, ठीक है, तो सोडियम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो फिर ये इसका इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये एक तरह से आपका सोडियम का एटम नहीं रहेगा, अब वो सोडियम का क्या हो गया, आयन। अब ये आपका सोडियम का एटम ना रह करके क्या हो गया, सोडियम का आयन। अब उसी तरह से क्लोरीन को देख लेते हैं, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो, 7, 4, 6 और 7। एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन कर ले तो इसके पास हो जाता है आपका क्लोराइड आयन, नेगेटिव चार्ज के ऊपर आ जाता है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, क्लोरीन का आयन हो गया। अब ये क्लोरीन का न्यूट्रल एटम नहीं रहा, अब ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये क्या हो गया, क्लोराइड आयन। अब इलेक्ट्रॉन निकलते कब है, जब उनको स्टेबल होना रहता है। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कब, जब उस इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला रहेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका सोडियम है, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत है इसको, एक। ये आपका क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जरूरत है इसको, एक। तो ये आपस में अटैच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बॉन्ड बन सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक,
अब यहाँ पे आपका सोडियम भी सेटिस्फाइड है और क्लोरीन भी सेटिस्फाइड है। इसी को मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। इसको नहीं, इसको मेटलिक बॉन्ड नहीं बोलते। मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा मेटलिक होगा। आपका क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। और सोडियम क्या है? मेटल है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है, ठीक है? तो ये आपका कौन सा बॉन्ड होना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अभी एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज दैट हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा आप ढूंढो, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढो कि किसी तरह से ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को वो किसी को दे दे और उनके बीच में रिएक्शन, उनके बीच में बॉन्ड बन करके एक पूरी तरह से स्टेबिलिटी हो। कौन ऐसा एलिमेंट होगा? दो इलेक्ट्रॉन की किसकी जरूरत? सल्फर को बोलो। बोलो बढ़िया से। सल्फर नहीं, सल्फर सल्फर तो होगा लेकिन सल्फर थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को देखो, हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, चार, छह। आपने बोला सल्फर, सही है। बॉन्ड बनता है लेकिन वो बॉन्ड बहुत स्टेबल नहीं होता। उसका रीजन आपके इस लेवल से नहीं है, बताऊंगा उसको इलेवेंथ में केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ोगे तब, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डोनेट कर देगा ये, ठीक है? डोनेट किसको करेगा? ये ऑक्सीजन को। और ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा क्योंकि उसको भी उतने की जरूरत है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा MgO का, ठीक है? डबल चार्ज के पास डबल माइनस। तो ये कौन सा बॉन्ड इनके बीच में बना? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या फिर आयन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बिल्कुल ये पार्टनर की तरह है, सिंपल सा, ठीक है? जैसे शादी वगैरह होता है उसी तरह से एकदम समझ में आया। अब ये आपस में स्टेबल हो गए, उनके बीच में स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है? क्लियर है? इसको आप दुल्हन मान सकते हो, इसको आप दुल्हन मान सकते हो, सिंपल है, ठीक है? अब ये आपस में अपने पार्टनर हो गए, ठीक है? तो ये आपका स्टेबल कंपाउंड हो गया जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक तरीका और भी है, मैग्नीशियम एक तरह से और कंपाउंड बना सकता है। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, इसके पास दो ही तो इलेक्ट्रॉन है ना? दो इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक क्लोरीन को यहाँ से चिपका सकते हो, ठीक है? डोनेट कर सकता है, एक क्लोरीन यहाँ भी चिपक सकता है आपका। दो, चार, छ, सात और यहाँ, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा बहुत अच्छे से MG, ठीक है? और यहाँ पे CN और इधर भी कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपका CN और ये आपस में अटैच है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव, इधर भी आपका एक पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, दोनों स्टेबल है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं MgCl2। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है? अरे अंशु क्या, तो ये आपका जो है बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया आपको? कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था? शेयर होता था, वहां पे पूरा टोटली आप डोनेट नहीं करते, वहां पे शेयरिंग होती, समय समय सब आपस में जुड़े होते, समझ गए? ठीक है, तो ये होता है आपका आयनिक बॉन्ड या फिर आयन से इसको बोल सकते हो। बोलो कोई बताओ, सचिन बोलो, सचिन नहीं असित बोलो, आयन किसे कहते हैं? चलिए क्वेश्चन करो। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीसीज स्पीसीज x and y are given as under कुछ इस तरह से। ये आपका x है और ये y है, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे आपका है सिक्स और यहाँ पे आपका है एट। ये आपका है प्रोटॉन्स
और ये है आपका न्यूट्रॉन्स। अब आपको बताना क्या है, गिव द मास नंबर ऑफ, हाँ गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज। अगला क्वेश्चन लिखो वहीं पे, इफ जेड इज इक्वल टू थ्री, इफ जेड इज इक्वल टू थ्री what would be the valency of the element, what would be the valency of the element, and also name the element, and also name the element। valency kya hogi uski, agar jo uska atomic number 3 hai aur uska name bhi batao, aur iska to aapko samajh nahi aa raha ki iska mass number batana hai aur iske beech mein relation kya hai। किसका किसका हो गया, सब दोनों हो गया, दोनों हो गया। yes. चलो बोलो सर, पहले में उसका ये एक्स है, उसका जो मास नंबर होगा 12 होगा, और जो दूसरा है वो उसका होगा 14, और दोनों में रिलेशन जो आइसोटोप का है, दोनों में रिलेशन क्या है आइसोटोप का, सिंपल देखो सर, दोनों कार्बन ही है। और इनका नाम क्या है, कार्बन एटम। देखो सिंपल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मतलब दोनों को ऐड कर दे तो मास नंबर, तो मास नंबर कितना हुआ एक्स का 14, क्लियर। वाई का मास नंबर कितना हुआ, वाई का कितना हुआ 14। और आपको पता है कि प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो आपका इस एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा 6, ठीक है। अब आपको पता है कि 6 किसका होगा, कार्बन का, तो मतलब कार्बन है ये 6 एटॉमिक नंबर, और क्या है 12। अब बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कार्बन ही होगा। मास नंबर क्या है इसका 14, सिंपल, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। दूसरा, और दूसरा भी बहुत ही सिंपल है, चलो बताओ तुम बताओ, तो उसकी वैलेंसी होगी 1 और एलिमेंट का नाम वाली थी लीजिए। अब उसका क्या है, 3 एटॉमिक नंबर है, दैट इज इक्वल टू 3 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर 2 इज टू टू, उसके बाद फिर 1 इसका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हो गया वैलेंसी, ठीक है। और 3 है, 3 लिथियम का होता है आपका एटॉमिक नंबर, समझ गए। तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, मतलब ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश, ठीक है। अब अगले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे कल कर।